डियर स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज एक्सरसाइज 6.16 ऑन पेज नंबर 62 ऑफ योर पीडीएफ नोट। अब इसमें क्या था, ये भी यंग्स एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर है। अब इन यंग्स एक्सपेरिमेंट टू स्लिट्स आर 0.2 मिलीमीटर अपार्ट। वो जो दो स्लिट हम यंग्स एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो यूज़ करते हैं, वो स्लिट्स उनको दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 0.2 मिलीमीटर। द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर लाइट ऑफ वेव लेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम आर फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे। वो जो वेव लेंथ लाइट का दिया है, जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर लाइट ऑफ वेव लेंथ, वो लाइट जो यूज़ करते हैं हम, दैट इज़ उसका वेव लेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। वो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनते हैं स्क्रीन पर, और वो स्क्रीन स्लिट से कितना दूर है, दैट इज 80 सेंटीमीटर अवे। वो स्लिट से जो स्क्रीन है वो 80 सेंटीमीटर अवे रखा गया है, और जो वेव लेंथ जो स्लिट्स पर पड़ती है, उस वेव लेंथ का लाइट का वेव लेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। हमने क्या बताना है, हमने बताना है इसमें दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट में हमने बताना है हाउ फार इज द सेकंड फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल इमेज, सेंट्रल फ्रिंज, वो सेंट्रल फ्रिंज से ये ब्राइट फ्रिंज कितना, सेकंड ब्राइट फ्रिंज कितना दूर है। और दूसरा हमें बताना है हाउ फार इज द सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, वो सेकंड डार्क फ्रिंज ए पार्ट में कितना दूर है सेंट्रल फ्रिंज से, और सेकंड ब्राइट फ्रिंज, और सेकंड दूसरे में हमने निकालना है सेकंड डार्क फ्रिंज कितना दूर है सेंट्रल फ्रिंज से। वो यहाँ पर इसमें भी एन हमारे पास दो है, और यहाँ पर भी एन हमारे पास टू है। सो वी विल कंटिन्यू ऑन पेज नंबर 63 ऑफ द पीडीएफ नोट्स। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट दिया है 0.2 मिलीमीटर। इसको मीटर बनाएंगे, इसको 10^-3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 0.2 × 10^-3 मीटर बनेगा ये। और लैम्डा जो वेव लेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है, दैट इज 6000 × 10^-10 मीटर बनाएंगे इसको। एंगस्ट्रॉम को जब मीटर बनाएंगे, इसको 10^-10 हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा मीटर, ये बनेगा 6 × 10^-7 मीटर, ये वेव लेंथ है। और जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन है वो 80 सेंटीमीटर है, तो 80 सेंटीमीटर को इसको मीटर बनाए, इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे, ये बनेगा 0.88 मीटर। और नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारे पास दो हैं, चाहे वो डार्क फ्रिंज है या ब्राइट फ्रिंज है। वो हमने एक्स निकालना है फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज, और पावर डिफरेंस निकालना है, एक्स निकालना है फॉर सेकंड डार्क फ्रिंज, कि कितना दूर है सेंट्रल ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज से, कितना दूर है सेकंड ब्राइट फ्रिंज, और सेंट्रल फ्रिंज से कितना दूर है सेकंड डार्क फ्रिंज, ये हम करेंगे। इधर हमें पता है फॉर ब्राइट फ्रिंज एक्स बराबर है एन लेमडा डी डिवाइड बाई डी, ये इसको फर्स्ट रखेंगे। अब वैल्यू पुट अप करेंगे, एन बराबर है हमारे पास, एन दो है, एन हमारे पास टू नंबर जो फ्रिंज है, दैट इज़ टू इंटू लेमडा बराबर है, यहाँ पर लेमडा ऑलरेडी निकाला है 6 × 10^-7 मीटर, तो ये बनेगा 6 × 10^-7 मीटर इंटू ये डी है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट, दैट इज 0.8 डिवाइड बाई स्मॉल डी बराबर है 0.2 × 10^-3। तो ये बनेगा एक्स बनेगा 2 × 6 × 0.8 / 0.2, ये 10^-7 ऊपर आएगा और 10^-3 नीचे आएगा, ये साइड में रखेंगे तो ये बनेगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद एक्स निकलेगा 48 × 10^-4, तो ये बनेगा एक्स निकलेगा 4.8 × 10^-3 मीटर। सो जो ब्राइट फ्रिंज है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, वो सेंट्रल फ्रिंज से दूर है 4.8 × 10^-3 मीटर। अब हम देखेंगे डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज से कितना दूर है। तो यहाँ पर फॉर डार्क फ्रिंज के लिए एक्स डैश बराबर है 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। अब यहाँ पर वैल्यू दे दो, एन हमारे पास 2 है, बनेगा 2 × 2−1 इंटू लैम्डा बराबर है 6 × 10^-7, और जो कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, दैट इज 0.8 डिवाइड बाई 2 × डी, डी है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, वो हमने ऊपर निकाला ऑलरेडी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स दैट इज डी इसका 0.2 mm, उसको मीटर में चेंज किया 0.2 × 10^-3 मीटर, और वो यहाँ पर हमने इसको वैल्यू दे दिया 0.2 × 10^-3। तो यहाँ पर हमने 10^-7 और 10^-3 अलग रखा, ये बन गया, ये 2 × 4−1 हो गया 3 इंटू, ये बनेगा 6 इंटू बनेगा 0.8 डिवाइड बाई 2 × 0.2, ये बनेगा इंटू 10^-7 बट 10^-3, तो ये एक्स डैश बनेगा 36, ये बनेगा इसको कैलकुलेशन करने के लिए बाद ये बनेगा 36 इंटू ये बनेगा 10^4, ये जब ऊपर करेंगे ये बनेगा 10^-4। सो एक्स डैश निकलेगा बराबर 3.6 × 10^-3 मीटर। सो दिस इज़ द, ये है सेकंड डार्क फ्रिंज जो है वो सेंट्रल
सेंट्रल फ्रिंज से दूर है 3.6 × 10⁻³ मीटर। यहाँ पर हमने निकाला एक्स फॉर ब्राइट फ्रिंज, वो जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज है ए पार्ट में हमने निकाला था, जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज है वो सेंट्रल फ्रिंज से कितना दूर है दैट इज़ 4.8 × 10⁻³ मीटर। और जो सेकंड डार्क फ्रिंज है वो सेंट्रल फ्रिंज से बी पार्ट में निकालना था, सेकंड डार्क फ्रिंज वो सेंट्रल फ्रिंज से कितना दूर है दैट इज़ एक्स डैश इक्वल टू 3.6 × 10⁻³ मीटर, ये हमने इसमें करना था। सो वी विल कंटिन्यू द वीडियोज़, ये हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया इसमें। थैंक यू।